जिसमें पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है वो है वक्फ एक्ट। पंजाब की जमीनों पे भी वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है। जब मैं वक्फ बोर्ड के वक्फ एक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो पता चला ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इवन इस्लामिक कंट्रीज में भी वक्फ एक्ट जैसा कानून नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ऐसा कानून नहीं। 1954 में इसको नेहरू जी ने बनाया, इंदिरा जी ने अमेंड करके उसको और पावर दिया, राजीव गांधी जी ने उसको अमेंड करके और पावरफुल बनाया, नरसिम्हा राव जी ने 1995 में उसको रिपील किया, एक नया बना दिया और ज्यादा अनब्रिडल अनलिमिटेड पावर देके, 2013 में मनमोहन सिंह जी ने उसको और पावर दे दिया। मैंने उसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है और अब तक पूरे देश में उस कानून के खिलाफ 120 पीआईएल हो चुकी है पूरे देश भर में। इतना उसको पावर दे दिया है कि अपना ये माधव विद्या निकेतन को अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये माधव विद्या निकेतन वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, उसको इतने कहना है, एक कोई बताना है कि भाई यहां बाबर का घोड़ा आता था, औरंगजेब का गधा आता था, जो भी जिसका जो आता था। आपको उससे लड़ने में कम से कम 50 साल लग जाएगा अगर वो लड़ाना चाहे तो, और उससे लड़ने में आप मतलब क्या गजब कर दिया कि आप वक्फ बोर्ड की नोटिस को अमृतसर की कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड की नोटिस को चैलेंज करने के लिए जवाब देने आपको वक्फ बोर्ड की ऑफिस में जाना पड़ेगा और जहां 100% एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होगा उसका जो मेंबर होगा उसमें एक एडवोकेट होगा वो भी एक ही कम्युनिटी का होगा, सारे बोर्ड के जितने सदस्य होंगे, सचिव होंगे, मेंबर होंगे वो भी एक ही कम्युनिटी के होंगे, एक वहां पे मजिस्ट्रेट होगा वो भी उसी कम्युनिटी का होगा, 7 मेंबर कमेटी होगी उसमें सारे के सारे एक ही कम्युनिटी के लोग होंगे, और वहां जाके आपको जवाब देना है कि नहीं यहां बाबर का घोड़ा घास खाने नहीं आता था। आप कैसे दे पाओगे बाबर का घोड़ा घास खाने आता था कि नहीं आता था। चलो अमृतसर से चंडीगढ़ तो 250-250 किलोमीटर है, आप चले भी जाओगे, लेकिन पंजाब का कुछ एरिया तो ऐसा भी है ना जो चंडीगढ़ से 400 किलोमीटर है, वो कैसे जाएगा। चलो पंजाब के लोग तो फिर भी पढ़े लिखे समझदार लोग, वो झबुआ का आदिवासी कैसे जाएगा भोपाल, जिस झबुआ के आदिवासी ने कभी झबुआ की लोकल कोर्ट नहीं देखी हुई है उसको वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कहता तुम्हारा पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है, वो बेचारा ट्राइबल आदिवासी 700 किलोमीटर दूर भोपाल कैसे जाएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ऑफिस तो भोपाल में। दो काम करता है इससे में वक्फ बोर्ड, गरीबों को नोटिस भेज के धर्मांतरण कराता है, अमीरों को नोटिस भेज के पैसा वसूलता है। गरीबों को नोटिस भेजेगा, झबुआ के ट्राइबल को नोटिस भेजेगा, वो ट्राइबल पूछेगा जी क्या हुआ कैसे हुआ, बोले कि काम करो अगर अपना गांव बचाना अपनी जमीन बचाना है कन्वर्ट हो जाओ बच जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जो अमीर हैं जिनकी पुरानी जमीनें हैं उनको नोटिस भेजता है, 10-20 लाख रुपए लेके नोटिस वापस ले लेते। एक तरफ एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक तरफ कन्वर्जन कर रहा है, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता तो छोड़िए भारत के बुद्धिजीवी भी इस पे शांत है, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। जिस बड़े स्केल पे आवाज उठानी चाहिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ वो नहीं उठी, नहीं उठी, नतीजा है आज की डेट में चल रहा है। इसलिए अब बहुत सारे कानूनों में बदलाव की जरूरत है, संविधान में कई सारे प्रावधानों को लागू करने की जरूरत है और संविधान के कई सारे प्रावधानों में बदलाव की भी जरूरत है। वो तभी होगा जब देश के हर कोने से आवाज उठेगी। जब भारत का संविधान बना इसके हर पार्ट पे एक एक चित्र रखा गया और वो चित्र रखे गए कुछ पर्पज के साथ।
जैसे पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है तो पार्ट 15 के पहले रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। उद्देश्य क्या था कि इलेक्शन लड़ने वाली पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों पर चलेंगी और वोटर जब वोट देने जाएगा तो उस पार्टी को वोट करेगा जो सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के विचारों के आधार पर काम करेगा। वो दोनों चित्र गायब हो गए। भारत के संविधान में राम दरबार था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, चित्र गायब हो गया। भारत के संविधान में नटराज, भगवान नटराज का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में हनुमान जी का चित्र था, गायब हो गया। भारत के संविधान में भगवान महावीर का चित्र था, निकाल दिया। भगवान गौतम बुद्ध का चित्र था, निकाल दिया। सम्राट अशोक का चित्र था, निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य का चित्र था, निकाल दिया। जिस राजा भरत के नाम पे हम भारत को, हिंदुस्तान को भारत कहते हैं, राजा भरत का चित्र निकाल दिया। गुरुकुल बने हुए थे, निकाल दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, निकाल दिया। सिंधु घाटी सभ्यता थी, निकाल दिया। राजा भगीरथ का चित्र था, गंगा जी को ला रहे, निकाल दिया। अब आप सोच रहे होंगे चित्रों को निकालने से क्या फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि अगर इसमें भगवान राम ये सारे चित्र रहे होते तो इसमें सेकुलर शब्द कभी आ ही नहीं सकता था। सबसे बड़ा फर्क तो यह पड़ता है। दूसरा फर्क क्या पड़ता है, अगर भगवान राम का दरबार इसमें रहा होता तो रामचरितमानस रामायण को, वाल्मीकि रामायण को सिलेबस और करिकुलम में डालने पे कोई विरोध नहीं कर पाता, ना कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर पाता। इसमें भगवान कृष्ण की फोटो रही होती तो भगवत गीता को पढ़ाने में कोई रोक नहीं थी, कोई रोक नहीं पाता, कोई ये नहीं कहता भगवत गीता कैसे पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी भैया है, चित्रों के है। अगर राजा विक्रमादित्य की फोटो रही होती, गुरु गोविंद सिंह की फोटो रही होती तो कम से कम इन लोगों के ऊपर एक एक चैप्टर तो रहता हमारे स्कूलों में।